नमस्कार, आज मैं आपको पनीर बनाना सिखाऊंगी। हम घर पर पनीर कैसे बनाएंगे। ये मेरा लगभग 1.5 kg मिल्क है। इसे हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। अब हम ये दूध बॉईल करेंगे। अभी हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे, विनेगर या फिर आप नींबू भी डाल सकते हैं। मैंने ये लगभग 2 ढक्कन के आसपास विनेगर लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे मिल्क में और इसको हम धीमे धीमे चलाते रहेंगे। अब हम इसको देखिए, हमारा पनीर बनने लगा है। अब हमारा पनीर बिल्कुल अलग अलग हो गया, इसने पानी छोड़ दिया है दूध में और बिल्कुल अच्छे से फट गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक ये सूती कपड़ा। अब हम ये स्टील की छलनी लेंगे, इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे। अब ये जो हमारा निकला है हम इसमें निकाल देंगे छलनी में। अब हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे जिससे कि ये विनेगर का खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे। तो हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है जिससे कि हमारा पनीर बहुत ही अच्छा बने और दरदरा टाइप का ना बने, इसलिए इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इस पनीर को अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ से पैक कर देंगे और इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रखकर इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए सेट होने देंगे और इसके ऊपर ये भारी चीज। अब हमारे 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इस पनीर को कपड़े में से निकाल लिया है। ये लगभग 200 ग्राम के आसपास बना है। हम इस पनीर से पनीर की सब्जी, भुंजिया, जो भी आप बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। हम देख सकते हैं बिल्कुल पनीर अच्छे से सेट हो गया है। धन्यवाद।